जब भारतीय जनता पार्टी में जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही थी, उस समय बीजेपी के विधायकों के लिए तीन शब्दों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। जो शंकर सिंह वाघेला के कहने पर खजुराहो जाने को तैयार हो गए थे, उन्हें खजूरिया कहा जा रहा था। जो केशु भाई पटेल की जी हुजूरी किया करते थे, उन्हें हजूरिया कहा जाता था। और जो सामान्य थे, जो किसी भी तरीके से इन दोनों गुटों में नहीं थे, उन्हें मजूरिया कहा जाता था। सुरेश मेहता का नाम जब मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तावित किया गया तो उन्हें भी मजूरिया ही माना गया। शंकर सिंह वाघेला की शर्त थी कि उनके समर्थक विधायकों में से कम 6 को सुरेश मेहता मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, जो कि किया गया, और नरेंद्र मोदी को राज्य की सियासत से हटाकर केंद्र में ले जाया जाए, इस पर भी अमल हुआ और नरेंद्र मोदी को हिमाचल और हरियाणा का प्रभार सौंपकर दिल्ली भेज दिया गया। मैं धोखाधड़ी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि आखिर हर एक की अपनी एक एम्बिशन है। औरंगजेब की भी एक एम्बिशन थी अपने खुद के पिता को बिहाइंड द बार डालकर। वो मैं तो समय पर संभल गया, केशु भाई 10 साल के बाद संभल पाए। ये जो है ओपन फैक्ट है कि किसी के पीछे कॉन्स्पिरेसी करके उस सीट के ऊपर आ जाना, आखिर वही हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मौका आएगा, समय आएगा कि वही इनको अपने ही लोग इनको पीछे कर रहे, और ये आज मौका है। हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं के इतने शाप लगेंगे इनको। स्ट्रेटजी बनाने वालों में माहिर थे मोदी जी, जन आधार था केशुभाई पटेल का, और बाघेला थे ओवरऑल फेस। चुनाव हुआ तो बाघेला के लिए हतप्रभ करने वाली बात थी कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने समर्थकों के साथ केशुभाई पटेल को समर्थन दिया। केशुभाई पटेल के समर्थन देना बाघेला को बहुत चुभ भी गया। 21 अक्टूबर 1995 को सुरेश मेहता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन यह ताज कांटों भरा साबित होने वाला था। अक्टूबर 1995 में जब सुरेश मेहता के नाम पर शंकर सिंह वाघेला सहमत हो गए, तो खुद उनके ही खेमे के विधायकों ने उनके सामने सवालों की बौछार कर दी। समर्थकों का कहना था कि हमने सुरेश मेहता को नहीं, आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बगावत की थी। वाघेला अपने समर्थकों को समझाया करते थे कि इंतजार कीजिए, सब होगा। सुरेश मेहता को इसलिए कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के नाते स्वीकार किया गया था कि गुजराती में कहावत है, मैं तो मारे नहीं ने भणावे नहीं, यानी वो निरुपद्रवी आदमी साबित होगा ऐसा लग रहा था। मगर सुरेश मेहता चूंकि केशुभाई के खेमे को भी राजी करना चाहते थे और ये शंकर सिंह वाघेला के खेमे को भी राजी करना चाहते थे, वो बैलेंसिंग एक्ट वो नहीं कर पाए। और उनके जो निष्ठावंत थे, यानी शंकर सिंह वाघेला के, उनको निश्चित रूप से, वो तो चाहते थे कि बापू ही मुख्यमंत्री बने। 1996 में लोकसभा चुनाव का शोर शुरू हो गया था। शंकर सिंह वाघेला गोधरा से चुनाव लड़ रहे थे। केशुभाई गुट की पूरी तैयारी थी कि किसी भी हालत में वाघेला को दिल्ली जाने से रोकना है। चुनाव के नतीजे आए, केंद्र में तो वाजपेयी सरकार बनी, पर गोधरा से शंकर सिंह वाघेला हार गए। शंकर सिंह वाघेला ने जिस प्रकार घात किया था गुजरात भाजपा के, सिर्फ गुजरात भाजपा पे नहीं, लेकिन गुजरात के लोगों का भी विश्वासघात किया था। गुजरात की जनता चाहती थी कि गुजरात में अब भाजपा की सरकार बने, लेकिन उनके जो सत्ता लालसा थी, वो सत्ता लालसा के कारण सिर्फ 6 महीने में केशुभाई पटेल की सरकार का विसर्जन हुआ। ये आघात जो था, ये गुजरात की जनता भी नहीं भूली थी और गुजरात भाजपा भी नहीं भूला था। तब 96 में जब संसद का चुनाव आया और शंकर सिंह वाघेला गोधरा से चुनाव लड़ रहे थे, तब शंकर सिंह को हराने के लिए सिर्फ गुजरात भाजपा नहीं, गुजरात के लोग भी तैयार बैठे हुए थे और उसके कारण उनकी हार हुई थी। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन गई। वाजपेयी जी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, लखनऊ और गांधीनगर, और चुनाव जीतने के बाद वो गुजरात की जनता को शुक्रिया कहने पहुंचे। साथ ही मिशन ये भी था कि इसी बहाने गुजरात में पार्टी को एकता का मंत्र दे देंगे।
पर वाजपेयी जी जब तक अपनी रैली खत्म करके सर्किट हाउस की तरफ बढ़े तब तक रैली स्थल का नजारा बदल गया।